सुना नहीं, मेरा नाम सुमित मलिक है और जो वीडियो आप देखने वाले हो ये पेपकोनी प्रोडक्शन से आ रही है आपके पास। और हम ना सिंसियर एजुकेशनिस्ट्स हैं, ठीक है, एटलीस्ट वी लव टू बिलीव सो, एंड वी आर वर्किंग ऑन अ ड्रीम। द ड्रीम इज टू प्रोवाइड इक्वल एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज टू एवरी वन रिगार्डलेस ऑफ देयर जियोग्राफिकल लोकेशन एंड रिगार्डलेस ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस। मतलब सीधा बोलूँ तो रिमोट से रिमोट गाँव में, पिछड़े इलाकों में, घर घर में फ्री ऑफ चार्ज IE इरोडॉफ के सोल्यूशन पहुंचाना चाहते हैं और वहां पर डाउट सपोर्ट भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो डाउट सपोर्ट कम्युनिटी सपोर्ट करेगी उसको, ठीक है। इसके लिए हमने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया नाडोस, जहां पर ये 3 लाख वीडियोस पढ़ाई वाली पड़ी होंगी। जो वीडियो आप अभी देखने वाले हो ये पढ़ाई वाली वीडियो नहीं है, ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि मैं उन 3 लाख वीडियोज के लिए व्यूज जुटा सकूँ। तो हैव फन, वॉच इट, बट रिमेंबर असली कॉन्टेंट नाडोस के ऊपर है, वहां पर पढ़ाई वाला माल है और एक सपना है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं आपका होस्ट नीरज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हमारे नए शो अननोन फैक्ट्स में, जहाँ पे हम आपको टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से जुड़ी, बेसिक वर्ल्ड से जुड़ी कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स बताते हैं जो माइट बी माइट नॉट बी आपने सुने हो या फिर नहीं सुने होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले फैक्ट से। जो पहला फैक्ट है वो है आईटी वर्ल्ड से, जो 808 माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बहुत फेमस है, बहुत सारे लैपटॉप्स कंप्यूटर पीसीज में यूज़ होता है। इट वॉज ओरिजिनली कॉल्ड 1201, इसको पहले 1201 ओरिजिनल नाम दिया गया था एज पर इंटेल्स नेमिंग कन्वेंशन। जब इसका मार्केट इंट्रोडक्शन होने वाला था, जो 1201 था उसको रिनेम करके फिर 808 कर दिया। तो ये जो था पहले नाम, अगर होता तो पहले आपको वो मिला होता और उसके बाद ये जो इसका नाम है वो चेंज कर दिया। सेकेंड न्यूज़ की बात करूँ तो, सेकेंड फैक्ट की बात करूँ तो, सॉरी, तो शिवकर बापूजी तालपड़े 1864 से 1916 तक थे, वॉज एन इंडियन इंस्ट्रक्टर इन द सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट विद एन इंटरेस्ट इन संस्कृत एंड इन एविएशन। तो ये सबसे पहले जो थे इंस्ट्रक्टर थे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ये संस्कृत भी पढ़ाते थे और एक एविएशन इंस्ट्रक्टर भी थे। इनका जन्म मुंबई में हुआ था एंड इज क्लेम टू हैव कंस्ट्रक्टेड एंड फ्लोन एन अनमैंड हैवियर देन एयर एयरक्राफ्ट इन 1895। और ऐसा माना जाता है, विश्वास किया जाता है कि 1895 में इन्होंने खुद ही एक हैवियर एयरक्राफ्ट को बनाया, मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद खुद ही उसे अनमैंड, बिल्कुल अकेले उन्होंने इसको उड़ाया। थर्ड फैक्ट की बात करूँ तो, इट्स कॉमन मिसबिलीव दैट द फायरफॉक्स लोगो इज अ फॉक्स। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को आप में से भी ऐसा लगता होगा, जो फायरफॉक्स लोगो इसमें फॉक्स है, आई मीन इट इज़ इन द नेम बट इज एक्चुअली अ रेड पांडा, बस उसका नाम है, बट जो इमेज है जो डिस्प्ले में दिखाई देता है उसके लोगों में वो फॉक्स ना होके एक रेड पांडा है। इंटरेस्टिंग। और फोर्थ फैक्ट की बात करूँ तो, गूगल्स फर्स्ट ट्वीट वॉज इन 2009। इट वॉज गिब्रिश टू द मोस्ट, ट्रांसलेटेड फ्रॉम बाइनरी टू इंग्लिश इट रीड्स आई एम फीलिंग लकी। पहला जो ट्वीट था, सबसे पहला जो ट्वीट था 2009 में गूगल ने किया था, जो कि गिब्रिश फॉर्म में था, और इसका जो इंग्लिश मीन था उसका मतलब था आई एम फीलिंग लकी। तो ये फर्स्ट जो ट्वीट था ये गूगल के द्वारा किया गया था। और अब नेक्स्ट फैक्ट की बात करूँ तो, मोटोरोला प्रोड्यूस द फर्स्ट हैंड हेल्ड मोबाइल फोन एंड देयर फर्स्ट फोन वॉज कॉल्ड देयर कॉल वॉज टू देयर राइवल। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। फर्स्ट हैंड हेल्ड फोन जो है हैंड हेल्ड फोन जो है मोटोरोला ने मैन्युफैक्चर किया था, और उसके मैन्युफैक्चर करने के बाद जो सबसे पहला कॉल उन्होंने किया था वो अपने जो है राइवल्स, जो उनके बिजनेस राइवल्स हैं, उनको किया था, सेवेज मूवमेंट मोटोरोला की तरफ से। फाइनल फैक्ट की बात करूँ तो, ऑन April 3, 1973 मार्टिन कूपर, अ मोटोरोला रिसर्चर एंड एग्जीक्यूटिव, मेड द फर्स्ट मोबाइल एंड हैंडेड द सब्सक्राइबर इक्विपमेंट प्लेसिंग अ कॉल टू डॉक्टर जोएल्स इंगल्स ऑफ बेल लैब्स, जो कि AT&T मोबाइल सर्विसेज हैं, उनके राइवल जो थे उनको सबसे पहला कॉल ने किया था। लास्ट फैक्ट है, एप्पल वर ओरिजिनली डिजाइनिंग एन एप्पल शेप फ्लिप फोन। जब उनका फर्स्ट फोन आने वाला था, आईफोन आने वाला था, उसके पहले एक वो एप्पल शेप का फ्लिप फोन बनाने वाले थे, बट कुछ कमियों की वजह से उसको डिले कर दिया गया। और आज जो चर्चित बहुत ही फेमस आईफोन हम सब यूज करते हैं, सबसे पहला जो आईफोन था तब उन्होंने वो मैन्युफैक्चर किया। तो ये थे कुछ अननोन फैक्ट्स टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से जुड़े, बेसिक वर्ल्ड से जुड़े, और नई फैक्ट जो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को शायद ना बताओ। तो आई होप इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो हम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो मिली होगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।